नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F17 वर्सेस Xiaomi Redmi 10 Prime का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo F17 में 6.29 इंच जबकि Redmi 10 Prime में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo F17 में 2.87 इंच जबकि Redmi 10 Prime में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo F17 में 0.29 इंच जबकि Redmi 10 Prime में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo F17 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo F17 में 163 ग्राम जबकि Redmi 10 Prime में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo F17 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Oppo F17 में सुपर AMOLED जबकि Redmi 10 Prime में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo F17 में 6.44 इंचेस जबकि Redmi 10 Prime में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo F17 में 85.95% जबकि Redmi 10 Prime में 83.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo F17 में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi 10 Prime में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo F17 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10 Prime की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo F17 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 10 Prime की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo F17 में Adreno 610 जबकि Redmi 10 Prime में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo F17 में Qualcomm Snapdragon 662 और Redmi 10 Prime में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo F17 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo F17 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 10 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo F17 में अप टू 256GB जबकि Redmi 10 Prime में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Oppo F17 में Android V10 Q जबकि Redmi 10 Prime में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Oppo F17 में 4015 mAh जबकि Redmi 10 Prime में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
ओप्पो F17 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹15,700, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹18,490 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 10 Prime की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹12,499, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹14,499 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो ओप्पो F17 में 5 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10 Prime की तो उसमें 2 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 10 Prime आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V20 है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Vivo V20 2021 है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A32 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।